नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राजस्थान के उदयपुर में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के बाद प्रशासन ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। उदयपुर के संभागीय आयुक्त ने देर रात आदेश जारी कर दिए। आदेश में कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत उदयपुर शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उदयपुर शहर बदेला, बड़गांव, बलीचा, देवारी, एक लिंगापुरा, कानपुर, ढीकली, भुवाना में शुक्रवार रात 10 बजे से आगामी 24 घंटे के लिए लीज लाइन को छोड़ते हुए पूरी के पूरी इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को शहर के सरकारी स्कूल में एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से जख्मी छात्र को अध्यापक की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल छात्र का स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है। ये घटना सूरजपोल थाना क्षेत्र की है। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने बताया है कि हमला करके फरार हुए नाबालिग छात्र को डिटेन कर लिया है और उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। हालात को देखते हुए शहर में धारा 144 लगा दी है। शहर में शांति व्यवस्था कायम करने को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इसमें संभागीय आयुक्त और अन्य अधिकारी शामिल हैं। बता दें कि 5 या उससे अधिक लोग अब एकत्रित नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार के हथियार लेकर घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कानून व सुरक्षा व्यवस्था में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को छूट रहेगी। साथ ही धार्मिक मान्यता अनुसार सिख समुदाय के लोगों को कृपाण रखने की छूट है। बिना सक्षम अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी नहीं किया जा सकता है। सांप्रदायिक को ठेस पहुंचाने वाले व उत्तेजनात्मक नारे लगाने, भाषण देने, पोस्टर बैनर लगाने पर प्रतिबंध है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, सोशल मीडिया आदि पर धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष से जुड़े सामग्री प्रसारित करने पर भी रोक लगा दी है। इस पूरे मामले को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि उदयपुर में 2 छात्रों के बीच शुक्रवार को विवाद देखने को मिला, जिसमें एक छात्रा ने एक दूसरे छात्र पर चाकू से वार कर दिया। इसी बीच छात्र को उदयपुर के MB अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां फिलहाल उसका उपचार जारी है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी के बीच उपचार जारी है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि बच्चा जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और गृह राज्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान शांतिप्रिय प्रदेश है, इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी लगातार अधिकारियों से जानकारी ले रही हैं। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजस्थान के उदयपुर से। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। धारा 144 लागू है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया है। बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है।